पर ये इन्होंने पूरा स्क्रैच से अफगानी सॉस बनाई है, मोर लाइक अ पास्ता सॉस। गोल्डन कॉर्न फ्राइड मोमो और उसके अंदर हम लोगों ने चीज कॉर्न स्टफिंग ली है। तो वो मन से ऐसे वो कर रहे थे ना, मेरा भी मन कर गया चाय पीने का। अभी आपको कोलकाता में दिखा रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया वाला स्ट्रीट फूड। ये हब जो है इसको बोलते हैं राम मंदिर, और पाव भाजी से स्टार्ट करेंगे। अग्रवाल पाव भाजी, काजू वाली पाव भाजी देते हैं, साथ में मोमोज भी खाएंगे, कुछ चाइनीजों का अलग अलग चीजें रहेगी। आपको वीडियो में बहुत फन आने वाला है। लेट्स बिगिन कोलकाता का नाश्ता, स्ट्रीट फूड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। शाम का नाश्ता पूरे दिन मिलता है। अभी हम लोग ना राम मंदिर के पास वाले एरिया में आए हैं, और यहाँ पे ना पाव भाजी बन रही है। ये अग्रवाल पाव भाजी, अग्रवाल पाव भाजी वाले कलकत्ता बेस्ट पाव भाजी, कलकत्ता की बेस्ट पाव भाजी बोलते हैं, तड़का लगा रहे हैं। अच्छा, जब ये बॉईल होती है ना तो इसके अंदर मेरे को बता रहे आलू पड़ता है, इसके अंदर पत्ता गोभी शिमला मिर्च वगैरह सब पड़ता है। पूरा ये पेस्ट बना के रख लिया है। फिर जैसे शाम को ज्यादा रश होता है वो होता है, शाम को तो कम से कम उस टाइम शाम का कम से कम 20-25 पावा निकल जाता है। पाव कैसा रहता है? पाव हमारा बम्बई का आता था, अभी बम्बई का नहीं है, अभी कलकत्ता का पाव है। अच्छा, जिसमें पाव का साइज यही है। ये मसाला पाव रहता है? सादा मसाला रहता है। आपको सादा चाहिए तो सादा, ये हो गया बम्बई वाला पाव। अच्छा, ये बम्बई वाला पाव जो आपको देखने को मिलता है हर जगह पे, बम्बई जाते हैं तो बम्बई वाला पाव खाते हैं, आप कलकत्ता है तो कलकत्ता वाला पाव खाएंगे। आपका नाम? हमारा नाम डीडी दास। डीडी दास जी, हमारे लिए एक बढ़िया सी पाव भाजी लगाई, अपने हिसाब से चटपटी थी, मज़ेदार। काजू भी पड़ता है इसमें। ये कलकत्ता की पाव भाजी थोड़ा बम्बई से अलग होती है, मज़ेदार है। थोड़ा सा ना शोर आ रहा होगा आपको, प्लीज़ इग्नोर दैट। वो कुछ तो वहाँ पे असेंबली चल रही है, हम लोग उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। हम जोर से बोल सकते तो हम बहुत जोर से बोलेंगे। अभी खुशबू आ रहा है, ऐसा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होता ना कि कैमरा से खुशबू सुंघा सकते तो दर्शक खुशबू सूंघते। देखो ऐसा होता है, पैन फ्राई का अलग होता है, और वही सेम चीज़ को मैं स्टीम या बॉईल करूँगा अलग टेस्ट आएगा, इसलिए दोनों हो रहा है। इसमें शिमला मिर्च स्टीम वाली भी है, शिमला मिर्च पैन फ्राई या शैलो फ्राई जो भी बोलना चाहते हो आप वो भी है। क्या रुपये प्लेट रहता है ये? मेरा मिनिमम प्लेट है 70 का है। हाँ, इस साल 130 का है। 70 और 130 में क्या फ़र्क है? ये बोलना आपको 130 वाला, 70 वाला रेगुलर है। अच्छा, उसमें ये काजू और ये सब तड़का तुड़का जाता नहीं रहता, इसमें काजू रहता है। ये नींबू का रस है, ये नींबू का खटास है। इसका पूरा तड़का रेडी हो गया, अब ये भाजी मिक्स होने लगी है। मिक्स हो गया। अब ये आपकी स्पेशल भाजी है? ये स्पेशल क्वालिटी है, ये स्पेशल, ये इनकी 130 वाली भाजी है। अगर आप प्लेन वाली लेते हो तो इसमें थोड़ा बटर लगा के थोड़ा मसाला लगा के देते हैं। बाकी ये भी है कि ये जगह बड़ी प्राइम है, राम मंदिर में आइए, दर्शन करिए, पाव भाजी खाइए। अच्छा, ये पाव भाजी थोड़ी खिली खिली रहती है, मतलब ऐसे पूरा मैश नहीं होता। जो मेस्ट करने बोलेंगे ना मेस्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन मेस्ट करने से क्या है कि आपको सब मिक्स का सामान आ जाएगा। हाँ, आपको मालूम नहीं चलेगा कि सामान क्या है, मटर का दाना नहीं, क्या चीज है इसमें आपको मालूम नहीं चलेगा। ये वाला कलकत्ता पाव है, कलकत्ता पाव जलेबी का जो स्टाइल है वो स्टाइल। हाँ, पूरा ऐसे किसके स्टाइल में? जलेबी का जो स्टाइल है, जलेबी के स्टाइल में। हाँ, जलेबी जो घुमाते तो घूमते रहते ना, जैसा सीधा पाव है ये। ये लगी हमारी पाव भाजी की प्लेट विद स्पेशल कोलकाता पाव। आप मुंबई भी चले जाओगे ना आपको ये पाव भाजी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए आपको कोलकाता ही आना पड़ेगा। कोलकाता की स्पेशल पाव भाजी विद कोलकाता की स्पेशल येलो वाली टैक्सी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोलकाता स्पेशल पाव भाजी। ये वाली एक्चुअल में स्पेशल है, क्योंकि एक तो इसके अंदर कोलकाता के पाव है जो आपको और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं मिलेंगे, और दूसरा ये वाली जो पाव भाजी खासकर ये वाली है, इसमें देखो जब ये बन भी रही थी इसमें काजू डाल रखा था, डबल तड़का लगा रखा था, तो इसका प्राइस भी थोड़ा भारी है, 130 रुपये की है। दो पाव मिलते हैं, साथ में मिलता है हरा प्याज और नॉर्मल प्याज का सलाद। कभी बार क्या होता है ना भैया, वीडियो के हिसाब से थोड़ा बटर ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो वाली चीज़ हो रखी है। लेट्स टेस्ट।
और ये एक हम लेते हैं अपनी काजू वाली बाइट। इनकी पाव भाजी थोड़ी दरदरी रहती है स्पेशल वाली, क्योंकि अगर बिल्कुल स्मूथ कर देंगे तो काजू दिखेगा ही नहीं। जिसके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं वो चीज़ दिखनी भी तो चाहिए ना। ये टेस्ट मेरे को बहुत पसंद आया। अगर आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा तो मैं माफी चाहूँगा, पर मैं बहुत ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों की भी ट्यूशन खत्म हो गई है, अब बच्चे भी ये पाव भाजी खाएंगे। जब तक यहाँ पे भीड़ लगती है हम लोग पहुँचते हैं किसी और जगह पे, कुछ और बढ़िया खाना आपको जायका दिखाते हैं कोलकाता का राम मंदिर के पास का। लेट्स गो। अभी हम लोगों ने पीछे अग्रवाल वालों से पाव भाजी खाई थी, और मेरे को यहाँ पे जो नीलेश भाई लेके आए हैं वो बता रहे हैं कि गुप्ता वालों के मोमोज बहुत ही कमाल के हैं, जितने वो तैयार होते हैं ना। बीच में वो चाय वाले शॉट्स भी आपने देखे होंगे, साथ में भैया चाय छोटी सी उसमें कुल्हड़ में दे रहे थे, तो वो भी लेते हैं साथ में। धन्यवाद। तो जी ये आ गई हमारी एक छोटी सी चाय का कुल्हड़, 12 रुपए की चाय, बढ़िया सी कलकत्ता की चाय। पाव भाजी देसी और मोमोज भी देसी है एक तरीके से, जैसी अब ये प्रिपरेशन बना रहे हैं ना तो उसके अंदर से चाय भी देसी हम लोगों ने डाल ली। और वो चाय के जो ऐसे अरे कुछ चीज़ें ना मन से करनी चाहिए, तो वो मन से ऐसे वो कर रहे थे ना, मेरा भी मन कर गया चाय पीने का। आपका नाम? मेरा नाम शौनक। शौनक क्या लगवा रहे हो शौनक? अभी अभी तो बहुत सारा मोमो हो जाएगा इधर हम लोगों का, तो लगाते लगाते बात करते हैं। उधर आई थिंक वो गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, उसमें तेल डाल देते हैं। ये चीज है इनका गोल्डन, क्या बोल रहे थे आप? गोल्डन कॉर्न फ्राइड मोमो। गोल्डन कॉर्न फ्राइड मोमो, और उसके अंदर हम लोगों ने चीज कॉर्न स्टफिंग ली है। ये कह रहे हैं ये एकदम अलग है, एकदम अलग है, डिफरेंट है, डन है। तो इसको अभी पहले चढ़ा देते हैं और फिर तब तक बाकियों की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आइडियाज कैसे आए ये सब चीजों के? कौन ये आगे बनाते हैं? हाँ मैं ही बनाते हूँ, मेरा टीम है पूरा, द नेक्स्ट लेवल का टीम है। हम लोग गुप्ता पावाजी के संग अभी कोलैबोरेशन करके काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये हम लोग का नया आइटम है, ये हाफ प्लेट नीटे जो होता है। हाँ। हम लोग का ये 6 पीस ही होता है हम लोग। और प्राइसिंग क्या रहता है 6 पीस का? ये आपका 130 है आपका गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। वेज भी हो जाता है इसमें, मतलब वेज स्टफिंग ये भी वेज ही है। हमारा पूरा चैनल पे जो भी आप देखोगे सब वेज ही है। हाँ वेज ही हमें पता है। अच्छा जब ये वेज वेज बोल रहे थे ना, तो ये है वेज स्टफिंग इनकी, वो जो चीज कॉर्न वाली है वो चीज कॉर्न स्टफिंग होगी ना। ये तो फ्राई करना। अच्छा ये अफगानी के लिए अपन फ्राई कर रहे हैं, फिर अफगानी सॉस में जाएगा, और वेज वैसे खाने के लिए वो ये स्टीम, ये स्टीम हो जाएगा। डन। प्रॉपर अफगानी सॉस बना रहे हैं अभी, मतलब इस स्टेज पे तो ये पास्ता सॉस भी बन सकती है। हाँ, पास्ता सॉस है ना, वो व्हाइट पास्ता सॉस, बट पास्ता सॉस थोड़ा सा अलग है। उसको थोड़ा सा अफगानी बनाने के लिए इसमें थोड़ा इंडियन मसाले मसूले और डाल दे। घर में जब मैं पास्ता बनाता हूँ ना ऐसे ही बनाता हूँ। वैसे एक नमक होगा इनमें, एक पेपर होगा, और एक वो होगा अजीनोमोटो। नहीं चीनी, अजीनोमोटो हम लोग यूज़ नहीं करते। चीनी क्यों? अच्छा वो अफगानी सॉस बना रहे हैं इसलिए। अभी अफगानी सॉस की तैयारी कैसे हो रही है मैं जो समझ रहा हूँ, पहले इसमें बटर पड़ा, दूध पड़ा, कुछ मसाले पड़े, थोड़ी सी क्रीम पड़ी, फिर अभी इसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी पड़ेगा, फिर एक बार इसकी सॉस थिक हो जाएगी तो फिर इसके अंदर पड़ेगा क्या पड़ेगा, मोमोज, और फिर वो सर्व कर दिए जाएंगे। अफगानी वाले मोमोज सबसे फास्ट खाने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सौगी हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। ऐसा एकदम सही पकड़ रहा हूँ, दिल्ली वाला हूँ भाई, रग रग के मोमोज खा रखे हैं, मेरा खून खोल के देखोगे अंदर मोमोज निकलेंगे। अभी यही वेज मोमो का अपन स्टीम लेंगे। अच्छा कोलकाता में आओ स्टीम मोमो लोगे ना वो अलग मिलता है, क्यों? क्योंकि उसके साथ सूप भी मिलता है। सूप हम लोगों ने साथ वाले भैया को थोड़ा बोला है प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हम लोग शूट वगैरह कर रहे हैं, एडजस्ट करवाइए। ये कितना मिक्स वेज, ये स्टफिंग का ही सूप बनता है? एकदम एकदम। और ये दूसरी वाली किसकी, लहसुन और उसकी रहती है? नहीं नहीं ये वाला है आपका ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी जो नॉर्मल जैसे मिलता है, नॉर्मल जैसे मिलता है वो विक्टोरिया बड़ा वगैरह के साथ। ये आपका वेज मोमो हो गया, ये वेज मोमो हो गया, एक और मोमो लग रहा है, एक तीसरा मोमो लग रहा है। मेरा बैंड बज रहा है, मैं बाहर जाके आपको दिखाता हूँ, फिर टेस्टिंग करते हैं। थैंक यू जी। अच्छा ये गुप्ता मोमोज, ये जो गुप्ता पावा जी, ये आपका है? अच्छा, और ये आपके हैं
भाई का लड़का। हाँ, आपके भाई का लड़का है। तो ये इनका कहीं और कहाँ पे बोल रहे थे आप? कॉलेज रोड पे ब्रांच है इनका, यहाँ पे अब आ गया। अभी आप दोनों साथ में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो हम खाते हैं। ये वाला था अफगानी और ये क्या बोला था? गोल्डन फ्राइड, गोल्डन कॉर्न फ्राइड, क्या नाम रखे। आ जाओ टेस्ट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। ये है गोल्डन कॉर्न फ्राइड वाले मोमोज भाई, कोलकाता में आए हैं। मोमोज की चटनी तो स्पाइसी होगी होगी और साथ में ये वो जो नॉर्मल लहसुन वाली चटनी रहती है हरी वाली। और ये है अफगानी मोमो भाई, एकदम ख़तरनाक से लग रहे हैं। और ये है स्टीम मोमो, यूजुअली ये 6 पीस आते हैं, हमें ट्राई करने के लिए उन्होंने 3 पीस दिए तो हमें डबल सूप दे दिया। मेरे मुँह से बोलते बोलते पानी आ रहा है, बस अब ट्राई करने की देरी है। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखो इसके अंदर की स्टफिंग, हाँ हाँ ये है सारे वेज मोमो, बट ये वेज स्टफिंग है, बाकी जैसे चीज़ कॉर्न स्टफिंग ऐसे ऐसे स्टफिंग वाला है। चलो ट्राई करते हैं कोलकाता का पहला मोमो इस ट्रिप का। मोमो की स्टफिंग है खतरनाक है। ये कौन से वाले मोमो? अच्छा बड़ा, अभी इसको तैयार होने में टाइम लगेगा ना। दो पीस स्टीम और ये और पनीर अगर हो रहे हैं तो प्लीज दे दीजिए। भाई ये मोमोज की स्टफिंग बड़ी मस्त थी, चटनी सुपर स्पाइसी और सूप ट्राई करते हैं। ये बहुत बढ़िया भाई, स्पेशली सर्दियों में सूप पीने का बड़ा मजा आता है और मोमोज के साथ फ्री में मिल रहा है सूप। वो जैसे स्वीट कॉर्न सूप टाइप होता है बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है, मतलब इसकी सीजनिंग वैसी कर रखी है। अब ये वाला ट्राई करते हैं। ये है वेज मोमो, कौन सा है ये? अफगानी वाला। यार इसको ना ऐसे मैं आधा तोड़ता हूँ और ये थोड़ी सी इसके अंदर से वो टूट जा, बहुत ही ज़्यादा ये वो हो रहा है। ये पता क्या बोल रहा है मेरे को कि भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना उन्होंने वीडियो लाइक नहीं करी, तभी मैं नहीं टूटूंगा, मैं वेट करता हूँ। अब कर दी ना लाइक? हाँ, अब ये अब मैं खा सकता हूँ इसको। और ना ये भाई अड़ गया था, मैं इसको बोलते रहा यार कोई नहीं यार, अपने ही दोस्त हैं, कह रहा नहीं पहले वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी खाएंगे हम लोग, ठीक है आपने कर दिया ना, ये बुरा मान जाएगा वरना। भाई ये देखो बहुत क्रीमी मोमो है, मलाईदार एकदम, और इसका ना जैसे नॉर्मल हम लोग अफगानी खाते हैं ना मोमो तो एकदम अलग सा लगता है, क्योंकि वो होते हैं एकदम मलाई वाले और क्रीम वाले, पर ये इन्होंने पूरा स्क्रैच से अफगानी सॉस बनाई है, मोर लाइक अ पास्ता सॉस। और अब इनका ये स्टार अट्रैक्शन वाला ट्राई करते हैं, ये वाला। इसको यहाँ पे ले आते हैं, स्पेशल बंदा है ना इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये देखो चीज़ कॉर्न मोमो, अंदर से निकल रहे हैं चीज़ और इसके अंदर निकल रहे हैं कॉर्न, और इसकी जो स्टफिंग है ये देख रहे हो, मोमो की शीट भी जो है येल्लो है। और ये इनका गोल्डन कॉर्न फ्राइड वाला मोमो ट्राई करते हैं। चीयर्स। कोलकाता आओ तो मोमोज ज़रूर खाना, ऐसा बोलते हैं कि जो इंडो चाइनीज़ जो हम मंचूरियन खाते हैं, जो हम लोग जो भी इंडो चाइनीज़ चीज़ें खाते हैं, जो आप चाइना चले जाओ आपको मिलेगी नहीं, जो इंडिया भारत की देन है पूरी दुनिया को, उसकी शुरुआत कोलकाता में हुई थी। तो कोलकाता का चाइनीज़ खाना एक अलग ही लेवल पे है। ये वेज गोल्डन वाला ना, अच्छा इसकी जो स्टफिंग है मतलब इसकी आउटर कोटिंग भी येलो है जो, ताकि आपको पता रहे कौन सी है, कौन सा है, बहुत अच्छा है कलर है, हाँ कलर ही है, वेरी नाइस यार, बहुत सही है, मज़ेदार है। मैं खुश हो गया। अभी ना वेट करते हैं इनका ना वो मोमो स्टीम हो रहा है उसको भी खाएंगे। मोमोज की चटनी स्पाइसी है, दिल खुश कर रही है। इस वीडियो को एंड करने से पहले वो दो स्टीम होने उसकी वेट करते हैं। ये तो पनीर वाले मोमोज हैं, ये हमारे दो मोमोज जो पेंडिंग पड़े थे ना ये आ गए। देखो इसके अंदर ना पनीर के चंक्स डाल रखे हैं, और इसके साथ भी क्योंकि स्टीम मोमोज है तो इसके साथ सूप मिला है, पनीर के चंक्स इसके अंदर डाल रखे हैं। और ये वाला जो घुंघराम वाला है इसकी पूरी शेप अलग है, कलर भी अलग है। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी सॉस लेते हैं। बड़े अलग टाइप के मोमो है ये, और ये पनीर स्टीम वाला नॉर्मल वेज स्टीम मोमो, उसमें पनीर के चंक, और इनका सूप जो है बिल्कुल स्वीट कॉर्न वाला जैसे पहले पिया था, बढ़िया। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हम लोगों ने खाना एक्सप्लोर किया राम मंदिर के पास कोलकाता में, आपको ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना वेजी भाजी पे डेली देखने को मिलता है, तो
मिलेंगे ऐसी किसी और बढ़िया खाने की वीडियो में। बाय बाय।